गाइस एंड अ वेरी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपके क्या हाल हैं भाई? आज हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं एक शॉपिंग मॉल में। हमारा ये शॉपिंग मॉल में पहला ट्रिप होगा कैलगरी में आने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स जब सर्च किए गूगल पे, तो उनमें से एक हमें शॉपिंग मॉल मिला जो कि हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और साथ में हमारे घर से करीब भी है। सो दैट इज दी क्रॉस आयरन मिल्स मॉल जो कि रॉकी व्यू में है। रॉकी व्यू हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट ही दूर है और हम लोग जो है वो सोचा कि चलो कन्वीनियंट है, पहले हम इसको ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि ये मॉल आया कि मॉल है या फिर मॉल के नाम पे धब्बा तो नहीं है कहीं। ये होता है ना कि कभी कभी आप जाते हो किसी मॉल में तो वहाँ पे ना, वैसे आपको पता होता है कि कुछ स्टोर होंगे अच्छे अच्छे, की वैरायटी अच्छी नहीं होती या वहाँ के प्राइसेस अच्छे नहीं होते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिखने में हल्के लगते हैं मगर वहाँ की प्राइस बड़ी अच्छी होती है, आप ले लेते हो चीज़ें वहाँ पे जाके। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाके हम डिस्कवर करेंगे कि क्या है वहाँ के प्राइस, प्लस कुछ कंपैरिजन करेंगे कि हम लोगों ने जो टोरंटो में ब्रांड्स लिया करते थे वहाँ से वर्सेस यहाँ पे जो अगर वो है जो कि वो ब्रांड्स उस मॉल के अंदर है तो उनकी क्या प्राइस है वो भी आपको बताएंगे साथ साथ ही। और आया कि हम लोग मतलब विंडो शॉपिंग करेंगे आज या फिर हम सच्ची में कोई शॉप कर पाएंगे या नहीं, डिपेंड करता है। तो बहरहाल अभी हम लोग चलते हैं आपको लेके मॉल। अगर आप कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अभी के अभी। एंड लेट्स बिगिन। ये है रॉकी व्यू बिजनेस पार्क। ये है रॉकी व्यू बिजनेस पार्क। बीच में बहुत सारे वेयर हाउसेज हमें दिख रहे थे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, तो जबरदस्त डेवलपिंग एरिया है। 4 मिनट के अंदर अंदर हम 3 मिनट बल्कि हम पहुँच जाएंगे। अच्छा ये है कैनेट ड्रीम। कैनेट ड्रीम ये जो आरवीज और मोटर होम वगैरह तो ये है वो। ओके सही, तो इंशाल्लाह देखो ये प्लान करेंगे समर में कि कोई मोटर होम शोटर होम लेके, कोई आरवी आरवी लेके और वैंकूवर वगैरह की तरफ, वैंकूवर है, किलोना है और बहुत सारे ब्रिटिश कोलंबिया के रीजनल और रूरल टाउन्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो फैमिली के साथ विजिट करेंगे। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ क्रॉस आयरन मिल्स के मॉल पे और ये हमारे घर से करीब तरीन मॉल था। हमारा घर नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट के भी काफी नॉर्थ में है, सो ये भी नॉर्थ में ही पड़ता है, तो जस्ट लाइक 10 मिनट ड्राइव पे सबसे बड़ा मॉल है, बंदा जाके देखेंगे। वैसे बात कर रहे हैं कि शायद नॉर्थ वेस्ट के लोग भी यहीं पे आते होंगे ज्यादातर। पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड आज जस्ट संडे का दिन 4 बजे हैं शाम के। तो गाइज यहाँ पे मिल गई है हमें अच्छी सी पार्किंग और सामने ही वहाँ मॉल है, तो नॉट अ वेरी लॉन्ग वॉक। बच्चे उतर रहे हैं, बेचारी की गाड़ी की हालत देखो कितनी खराब हो रही है गाइस। एंड कैलगरी में ऑफिशियली सर्दी शुरू हो गई है, वैसे अक्टूबर का एंड चल रहा है और शदीद इस वक्त सर्दी, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी मैंने कुछ पहना नहीं जैकेट क्योंकि मैं मॉल के अंदर डायरेक्ट जा रही हूँ, बट हवा चल रही है, बादल बहुत है और आई थिंक आज का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री हो रहा है। सर्दी के लिए तैयार हो तुम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल रेडी नहीं हो, थोड़ा सा भी रेडी नहीं हो यार। कैलगरी में रहते हो तो यहाँ तो पहले ही आ जाती है, अब आ रही है कहीं जाके इतनी देर में, क्या भूल गए थे आप भाई? की हालत भी मेरी जो है वो बहुत बुरी हो गई है और फट गया है बिल्कुल बुरी तरह। नया वॉलेट मंगवाया मैंने मगर ये आ रहा है पाकिस्तान से, नया वॉलेट तो पाकिस्तान से जाएगा वो दुबई वॉलेट और दुबई से फिर वो आएगा कैलगरी। देखो ऐसे लड़के हमारे जो है वो 2 मिनट में मतलब बोला, उसको बोला कि यार वॉलेट फट गया है, ऐसे बैठा हुआ था वहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे, मैंने बोला यार आज जो है वो तुम लोग निकल रहे हो दुबई के लिए तो वहाँ पे वॉलेट खरीदो, उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ मेरा वॉलेट पे। अच्छा हाँ वॉलेट पे मैंने नाम भी लिखा है अपना, मुझे बता दे तो मैं भी ऐसा कुछ करवा देती हूँ। टाइम नहीं था ना, टाइम नहीं था मतलब 2-3 घंटे ही थे एयरपोर्ट पे जाने में उनको। ये भाई डायना साहब का कोई स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे देख के मॉल के बाहर। भाई इस मॉल में आने का मकसद ये था कि काफी डिफरेंट है तो हम इसको देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि थीम बेस्ड मॉल लग रहा है। ये थोड़ी पुराने आर्कियोलॉजी की है, डायनासोर वगैरह की, जो पुराने रेप्टाइल्स हुआ करते थे, देखो सामने उड़ने वाला डायनासोर लटका हुआ है, इसीलिए बाहर उस तरह की स्ट्रक्चर लगा हुआ था जैसे आपने अभी पिछले देखा थोड़ी देर पहले। दुबई में और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे एसिक्स है, स्केचर्स, नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट भी यहीं पर है, न्यू बैलेंस है, हाँ इन सबको तो हम जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नए नए हैं, जैसे कि सामने रूट बना हुआ है, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ये ब्रांड देख रही हूँ। अंडरग्राउंड देखा है यहाँ पे? हाँ यहाँ तो नहीं मैंने देखा मगर मैंने स्क्वायर वन मॉल के अंदर जरूर देखा, टोरंटो के अंदर मिसिसागा।
मिसेस सौगा, मिसेस सौगा बोलते थे हम लोग जब शुरू शुरू में गए थे तो काफी लोगों ने बोला है मिसेस सौगा। और एक बात है उसके जो है मैं विटनेस बनना चाहूंगा और मतलब वाकई में बताना चाहूंगा कि कैलगरी में अभी तक गोरा कल्चर जो है ना प्रिजर्व करके रखा है जो टोरंटो में नहीं है भाई। यहाँ पे आपको मतलब ज्यादा गोरे नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू टोरंटो, वहाँ ज्यादा देसी नजर आते हैं और छोटे मोटे चिल्लड़ भी नजर आ जाते हैं। अच्छा हम लोग शॉपिंग करने आए हैं तो यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूं कि यहाँ शॉपिंग करने में हमें शायद फायदा हो, अभी हम प्राइस देखेंगे बट फिलहाल ये हमें पता है कि 5% टैक्स होता है यहाँ पे, टोरंटो में 13% होता है ऐसी शॉपिंग पे, तो प्राइस पे डिपेंड करता है। मगर हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादातर टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में लिए जो कि फैक्ट्री आउटलेट हुआ करते थे, तो ऑलरेडी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में सस्ते में मिला करते हैं जूते। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कितने के, अगर ये डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट नहीं है यहाँ पे सिर्फ इस मॉल के अंदर नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट है, बाकी एडिडास हो गया पूमा हो गया उनके नॉर्मल आउटलेट जैसे होते हैं फ्रेंचाइज। अच्छा लगे $100+5% जब इन दुकान की वापसी हम निकलेंगे तो यहाँ लिखा होगा थैंक यू कैलगरी, चलो यू आर वेलकम। तो ये देखो यहाँ पे है गैप का फैक्ट्री स्टोर, ये देखो ये गैप के फैक्ट्री स्टोर में जा रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस है। हाईनेक जो है ना सिर्फ मैंने कनाडा के अंदर ही बड़े अच्छे अच्छे देखे हाईनेक, तो आई थिंक लेडीज के लग रहे हैं मुझे ये लेडीज के सारे। और बता दे वैसे कितने के हैं, मैं ले लूंगी, मेरे ऊपर भी हाईनेक बहुत सूट करता है। $89 $90 का दैट मींस $45 का मिलेगा। ओके ओ 60% ऑफ, ओके नाइस, बल्कि ज्यादा 50% है ना तो ये 35 तक का मिलेगा। ओह नॉट बैड अशर, 30-35 तक। मुझे अली के साइज की जीन्स एंड शर्ट्स स्वेटर्स यहाँ पे मिले हैं, तो स्वेटर्स पे 40% है, जीन्स पे 50% है। जैसे ये वाली जीन्स है अगर हम लेते हैं तो $50 की है तो $25 की हमें पड़ेगी 50% पे। इसी तरह इनकी भी अलग अलग प्राइस है, ये वाइट बहुत क्यूट लग रहे हैं, तो क्यूट ये देखो ऑब्वियसली छोटा साइज है अली का बड़ा है। लेट्स सी इसकी प्राइस क्या है, तो दिस वन इज $30 वाइट वाला और इसके ऊपर 40% ऑफ भी है। ये देखो भाई सफेरा आ गया, सफूरा गोट हम लोग इसको कहते हैं, सफूरा गोट आ गया है, तो जो लोग कराची के होंगे वो समझ जाएंगे। सफूरा गोट कराची में जगह है, वो जो कराची वाले हैं वही समझ सकते हैं। हाँ भाई कुछ पसंद आ रहा है यार? पसंद मुझे कुछ खास नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग जैसे अभी अर्बन प्लेनेट आए हुए हैं, तो अर्बन प्लेनेट वैसे हम लोगों के दिमाग में था कि ये सस्ता ब्रांड है, जैसे यहाँ पे ना $60 में दो जैकेट्स आपको मिल जाती हैं, $30 की पड़ती है ईच, लेकिन यहाँ पे $64 में एक जैकेट है। ये देखो ये जैकेट है, अच्छी जैकेट है, मटेरियल भी ठीक ठाक लग रहा है, बट ये $64 की एक जैकेट है, इस पे लिखा हुआ 20% ऑफ के बावजूद। लास्ट ईयर आप लोगों को जो है सस्ती मिली थी टोरंटो में? डेफिनेटली, जो हम लोग एरन मिल्स में से सागा में लिया करते थे या हम स्क्वायर वन जाके लेते थे तो वो बहुत सस्ती होते थे, यानी कि वो $60 में दो भी होती थी, कभी कभी जो है वो ऐसा भी होता था कि $40 में दो मिल रही होती थी, तो हमने बहुत शॉपिंग की। तो थैंक गॉड कि हमने टोरंटो शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि कैलगरी के अर्बन प्लैनेट में तो बहुत महंगाई है। अब देखिए जैसे कि मैं ये जीन्स के ऊपर नजर डालूँ तो ये बाय वन गेट वन 50% ऑफ लिखा हुआ है, तो अगर मैं दो लेती हूँ $30 में और एक $15 तो $45 में दो आएंगी, बट जो अर्बन प्लैनेट टोरंटो का होता है वहाँ पे आपको लिटरली $30 में ही दो मिल सकती हैं, तो पैसे बचाने वाली बात वहाँ पर है, बट ये कि अगर आप कैलगरी में हो तो अर्बन प्लैनेट इज नॉट डेट अर्बन प्लैनेट जो हम वहाँ देखते हैं। तो भाई ये मैंने ये देखिए यहाँ पे ग्राफिक टीस लगी हुई है $2 for $25, तो अगर मैं टोरंटो में होती हूँ तो फिर ये $2 for $25 नहीं होती, वो $3 for $25 मिलती है, मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, तो इस तरह की ग्राफिक टीज हैं। वैसे तो ये मैं नहीं पहनती, ये वाली शक्लों वाली नहीं पहनती, बट अगेन मतलब एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ ग्राफिक टीज को लेके कि अगेन दिस इज एक्सपेंसिव। अब ये देखो अशर यहाँ पे बूट्स लेने की तैयारी कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं 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 रहा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी बूट्स हैं, मैं उन टैगियों से लेकर आया। $40 का ये, $40 का एक है, इस पे कौन सी डील है? बाय वन गेट वन 50% ऑफ, तो यहाँ है बाय वन गेट वन 50% ऑफ भाई। और ये भाई मैं यहाँ पे एक और मिसाल, ये देखो सैंडल्स जितने भी हैं, मैंने लास्ट ईयर ही वीडियो बनाई थी कि मैंने $10 के ऐसे सैंडल्स देखे थे एरन मिल्स के अर्बन प्लैनेट में, यहाँ कैलगरी में हम लोगों को देखे मिल रहे हैं ये $25 के, तो इसमें भी ये है कि बाय वन गेट 50%, वही कि आप दूसरा पेयर जरूर खरीदो और फिर 50% मिलेगा, तो 25 + 12 आप लगा लो तो ऑलमोस्ट $40 इंक्लूडिंग टैक्स आप लगा लो, इसमें दो पेयर आएंगे, वहाँ पे $20 में दो पेयर आते थे। ये देखो ये सारी वेराइटी है, रेड जैकेट लाल लाल जैकेट पे नजर डाल दी दुल्हनिया, हाउ मच? $64, बड़ी है साइज में, साइज क्या है, बड़ी बात है, आप में कुछ बड़ा भी है, वाह वाह।
कहियो आप पे कुछ बड़ा भी लग रहा है, वाह वाह, आपसे भी कुछ बड़ा है, आपसे भी कुछ बड़ा है। $64 की है भाई, ये पहले 79 की थी, एहसान करके इन लोगों ने कम कर दिया। आप लोगों ने अक्सर मुझे कोट पहने हुए देखा होगा, ब्लैक कलर का मैं पहनती हूँ काफी, मैं अभी यहाँ पिक्चर लगा लूंगी आपके रेफरेंस के लिए, तो ये उसी टाइप का मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। इसका जो है वो काफी कपड़ा भी वैसे ही है, फैब्रिक और इसका स्टाइल भी वैसे ही है, बट ये वो थोड़ी टॉल है, ये थोड़ी छोटी है। और ये है $56 की, मैंने ऑस्ट्रेलिया से ली थी वो कोट बेसिकली, और वो $50 का था। तो मेरा लगा किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ पे अर्बन प्लैनेट पे आ सकता है, रॉकी व्यू माउंटेन के अर्बन प्लैनेट, यहाँ पे $56। अच्छा तो ये हम लोग आ गए हैं मॉल के एकदम सेंटर पे, और ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज इन्होंने यहाँ पे छोटा सी थीम बनाई हुई है, अलग अलग जगहों पे थीम बनाई हुई है। अब जैसे वो वाली थीम है वो स्पोर्ट नेबरहुड है, मतलब स्पोर्ट्स की जितने भी ब्रांड्स होंगे ना वहाँ पे आपको मिलेंगे। नंबर 6 के अंदर आओ, देखते हैं वहाँ पे की क्या क्या है। यहाँ पे कोट देखा जा रहा है जिसकी ख्वाहिश है, बहुत टाइम से कर रहे थे, वो भी ख्वाहिश ही रह गई। 40% ऑफ पे लगा हुआ है, एडिशनल 20% भी है सर, क्या मतलब? तो यानी एंटायर परचेज, अच्छा एंटायर और एडिशनल, अच्छा अच्छा सही। तो 60% बेसिकली समझ गए। और कितने का कोट है ये? 250। 250 का 40% अगर लगा लो तो अगर $100 तो नहीं बनता है ना, 100 से ज्यादा ही बनता है, 100 से ज्यादा ही बनता है। एक तो $12 नहीं ज्यादा बल्कि और $150 का ऑलमोस्ट ये हमें कैल्विन क्लाइन का कोट, इट लुक्स नाइस, बड़ा जबरदस्त फैब्रिक है, कोट जबरदस्त लग रहा है यार देख के, पहन के भी देखेंगे ये, वाओ शान है भाई इसकी, जबरदस्त लग रहा है ना गाइस, अच्छी, अच्छी लग रही है, वेरी गुड। इसके बटन लगा के देखिएगा, टाइट है क्या ये, व्हाइट के ऊपर और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है वैसे, जो आपने पहने हुए ना ऑलरेडी चीज, वैसे वर्थ इट है नो डाउट। अबे लग रहा है शेरवानी पहन रहे हैं, शादी की शेरवानी है ब्लैक वाली, दूसरी शादी के लिए शेरवानी पहन रहे हैं। जो लोग दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद जो है वो यहाँ पे आके शेरवानी ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लैक शेरवानी बाय अशर। इसकी आस्तीन का बिल्कुल सही साइज है ना, मगर एक बात है और ब्रांड है जो कि हम लिया करते थे वहाँ टोरंटो में इंटरनेशनल क्लॉडियल, तो यहाँ पे आओ चेक कर लें कि क्या प्राइस है, ये भी काफी इकोनॉमिकल है। तो यहाँ इस तरह के टैग्स लगे हुए जैसे 2 for $20 की है, तो ये अच्छी चीज है। फिर भी ये क्या है, शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं आई थिंक, सही, बहुत ही प्लेन किस्म की है, प्लेन भी है और मौसम भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये $5 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए इस मौसम में। हाँ ये मौसम है, $5 तो सब बता रहे हैं, क्योंकि ऑफ सीजन है टीज के लिए, ऑफ सीजन नहीं, घर में पहनने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग हुडीज देख रहे हैं, हुडीज की प्राइस अच्छी लग रही है, फिर भी $2 for $40 विच इज नॉट बैड। तो ये सारी की सारी हुडीज जितनी भी आपको सब, आई डोंट नो क्या बात है क्या नहीं है, मगर ये कि हमें टोरंटो जो है वो शॉपिंग के लिए काफी चीप लगता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, मगर जितना हमने शॉप किया वहाँ पे विंटर के अंदर $10 $15 की भी मैंने अच्छी अच्छी हुडीज ली है यहाँ पे, मगर काफी महंगा है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत टैक्स ज्यादा होता है, तो उसके लिहाज से उन्होंने प्राइस कम किए हुए हैं, यहाँ पे टैक्स कम है तो प्राइस ज्यादा है। तो ऑन एंड ऑफ मुझे कैटेगरी चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो क्लोथिंग हो, मतलब मुझे कोई चीप नहीं लगा। दिस इज नाइस, ये वर्चुअल रियलिटी के स्टेशन भी लगे हुए हैं, आप पूछते हैं $7 लिखा हुआ है आई थिंक पर पर्सन, तो नहीं कर लोगे, रेडी गाइस बहुत सारे अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस ही देते हैं, बच्चे कौन सा पसंद करते हैं, फास्ट है ये तुम्हें? नहीं आई थिंक अलग अलग है, सोचा कि हम लोग किस बात पे हंस रहे हैं, पीछे कुछ कमेंट भी चल रही है वर्चुअल रियलिटी को लेकर, बहुत सारे फिर भी वर्चुअल है, लूना पार्क में जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर दोबारा करेंगे। टाटा, इजी इजी, गो गो गो। तो अभी चूज कर रहे हैं कि भाई कौन सी वाली राइड करनी है, थ्रिलर एडवेंचर हॉरर बहुत सारी है भाई, तो वर्चुअल रियलिटी का यहाँ पे स्टेशन लगा हुआ है, रोलर कोस्टर, जाओ जाओ गाइस गो फॉर इट, एंजॉय योरसेल्फ, सर्व योरसेल्फ अ गुड टाइम मैन। आर यू एक्साइटेड? पकड़ के रखना सर भी। छोटे वाले बेटे सेल्फी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है वर्चुअल रियलिटी का, यार तो पहले कर चुका है आई थिंक। ये देखो अप्पा खड़े होके इनको इनकरेजमेंट दे रहे हैं, डराना नहीं चाहिए अपनी किसी भी चीज से,
उनको जो है ना चीजें करवानी चाहिए, मतलब जिंदगी में ना पैसा सेंध सेंध के मत रखो, अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे और अपने आप पे खर्च करके रखो। बीवी पे खर्च करना एक हाईलाइट है यार, बीवी पे खर्च करना। बीवी का जो है ना दिल खुश होता है, मुझे पता है खाने पीने से तो अभी जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। एक बात बताऊँ आप लोगों को, अभी हमारा जो पहला खर्चा हुआ इस मॉल में आके वो $14 का हुआ है, वो भी बच्चों पे हुआ है, बीवी पे नहीं हुआ है अभी तक। दूसरा होगा ना, दूसरा कौन सा? अली अली कह रहा है बच्चों वाला काम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अली करोगे? हाँ भाई करोगे। अली यू वांट टू डू इट? करेगा। चलो भाई निमट गई है वर्चुअल रियलिटी की राइड और सैफ की तो फर्स्ट थी। थैंक यू। कैसी रही गाइस? यू लाइक इट? एंड व्हाट अबाउट यू सैफी, डू यू लाइक इट? कैलगरी फ्लेम्स और ये वो पूरे मेडल वगैरह उन्होंने एक तरह का वो जो है वो चीजें की हुई है, तरह मेडल्स वगैरह वो होते हैं। ये देखो ड्रामा ड्रामा कोई ना भाई, ये अलग अलग इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि 1984 में लॉस एंजलिस में कोई साइकिलिंग हुई थी। अबे तो तुम लोगों ने क्या किया कैलगरी वालों, ये बताओ ना तुमने क्या झंडे गाड़े हैं? ये तो लॉस एंजलिस में हुआ है। हाँ कैलगरी वालों ने क्या झंडी गाड़े हैं ये बताओ ना भाई, ये क्या है? और ये कुछ कहीं और हुआ है? ये देखो अलग अलग जो है ना तरह के, मगर ये जरूर है कि थीम मुझे अच्छी लगी, मतलब एक छोटी सी कोशिश की गई है छोटे से मॉल में थोड़ी थीम क्रिएट करने की। सो नॉट बैड मुझे लगता है, इतना बड़ा मॉल है नहीं, अच्छा लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है, थोड़ा देख के डिफरेंट लग रहा है। देखो अली साहब भी देख रहे हैं भाई बैठ के, अली साहब इंजॉय कर रहे हैं बाकायदा। गाइस अब हम लोग आ गए हैं पूमा के स्टोर पे। ओके सो हियर इज द डील, जो यहाँ पे इस तरह की हुडीज लगी हुई है, ऊपर काफी बड़ा बड़ा पूमा लिखा हुआ है। तो खैर इस तरह की फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हुडी देखूँ तो ये है $65 की, और 65 पे आप समझ लें 40% का एडिशनल ऑफ, तो ऑलमोस्ट $35-$40 के आसपास आपको ये मिलेगी इंक्लूडिंग द टैक्स। तो यार ग्रीन कलर के कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने के हैं ये? $50 के। $50 यार नॉट बैड। दो चीज की हम, ये एक है $15 की, एक है $18 की, अगर सिंगल लेंगे तो $18 एक है, और दो लेंगे तो फिर 30 की नॉट बैड, यानी कि 15 की पड़ेगी आपको अगर आप दो ले रहे हैं तो, विच इज नॉट बैड। अच्छी वैरायटी, कलर्स भी काफी अच्छे लगे हुए हैं। अब ये देखो गाइस ऐसी थीम चल रही है यहाँ पे, चेयर लिफ्ट की थीम लग रही है मुझे, देखो ऊपर चेयर लिफ्ट जैसी लटकी हुई है, वैसे तो ये नॉर्मल चेयर लग रही है मगर थीम बिल्कुल चेयर लिफ्ट वाली ही थी है। वो देखो गाइस बेयर सो रहा है ऊपर, अच्छे बताने एक और थीम है इन्होंने जो आई थिंक कुछ वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्रिएट की हुई है, आप लोग देख के बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये देख रहे हो आप वाइल्ड लाइफ थीम, यहाँ पे बेयर सो रहा है बेचारा यहाँ पे सत्तू पी के आराम से, और यहाँ पे फौजी खड़े हैं, ये देखो नहीं फौजी नहीं है ये वो है काउ बॉयज टाइप के लोग हैं, मगर ये काउ बॉयज टाइप के लोग जो है ना ये देखो मछलियाँ पकड़ रहे खड़े यहाँ पे, और ये मछली जम गई है नीचे, इतनी सर्दी होती है कनाडा के अंदर की मछली भी जम जाती है, अब वो बेचारा बंदा कोशिश खींचने की कोशिश कर रहा है मगर मछली आ नहीं रही है, ये देखो यहाँ पे मछली जमी हुई है, वो बंदा भी फंस गया इतनी बर्फ के अंदर जाए, वो किस गधे ने बोला था कि तुम बर्फ के अंदर आके मछली पकड़ो, अब जब बर्फ के अंदर आके मछली पकड़ोगे तो यही होगा ना भाई, फिर वो देखो वहाँ पे जाए वो पीछे से चील भी टाइप की आ रही है वो। यहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स चेक, ये है भाई अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे भी क्लियरेंस होती है, जूते वूते सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है पूमा का मैंने $20 का खरीदा था वहाँ से टोरंटो से, पूमा से या स्पोर्ट्स चेक से? स्पोर्ट्स चेक से। अच्छा, याद है हम लोग यहाँ की फुटबॉल के लिए लेने गए थे, क्यों भाई याद है तुम्हें? क्यों भाई ली के स्पोर्ट्स चेक में हुई है डिसअपॉइंटमेंट, हम लोग जब टोरंटो में देखा करते थे तो $30-$40 में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स चेक पर डील्स लगी भी होती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है $150-$200 मतलब उससे कम की कोई बात ही नहीं है, सो नॉट टू गुड। वाह भाई क्या लेकर आ गई? हम लोग लेकर आए दो शवरमा, एक फलाफेल, एक चिकन, और कॉम्बो था हमारा $11 का, ठीक है तो वही उठा के लिया है, उस कॉम्बो में एक ड्रिंक है या डाइट को। देखो नजरें खराब हो रही है, नियत खराब हो रही है। हाँ भाई अब तो खुश हो, अब वादा पूरा कर दिया बेगम को भी खिलाने पिलाने का, बेगम के ऊपर शॉपिंग करने का है, शॉपिंग तो खाने पीने की होती है ना भाई, हाँ दिल खुश होता है, तो पीना है, पीना है, लेमन है भाई।
और अगर आप कैनेडा में किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाओ ना, आपको हलाल खाने के नाम पे विला मदीना जरूर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी हलाल ना हो लेकिन विला मदीना आप जाओ तो वहाँ शवरमा प्लेट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। खाओ पियो, इन्जॉय करो। मदीना इसके नाम में तो फिर हलाल क्यों नहीं होगा? Exactly. क्या बात कही है मदीना से तो हमें अपना मदीना याद आ जाता है। शेयरिंग कर लेना हमारी, ठीक है? शेयरिंग इज केयरिंग। चिकन फोड़ा वाड़ी कर रहे हो। कमजोर नहीं होगा, मेरा वेट बढ़ा। हाँ भाई कैसे, खा के दिखाओ जरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाया करो। आया मजा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनका अच्छा होता है नो डाउट।